is a winding road, no telling where it goes. Hello everyone, welcome back to the channel. I hope आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, happy होंगे अपने घर में और अपनी families के साथ एकदम safe होंगे. तो आज है सैटरडे और अभी इवनिंग टाइम हो गया है, 4:45 हुआ है. मुझे लगा व्लॉग स्टार्ट करती हूँ, आप लोगों से बातें करती हूँ, मुझे भी अच्छा लगेगा और आप लोगों को भी अच्छा लगेगा. आज सुबह अंशुल कॉस्को गए थे, घर का थोड़ा बहुत सामान मैं आपको बता रही थी ना लास्ट व्लॉग में ख़त्म हो गया है, दूध वगैरह, तो वो लाने के लिए गए थे. 9:30 ओपन होता है कॉस्को, अंशुल 9:00 चले गए थे, तब भी इतनी बड़ी लाइन थी बाहर और सब लोग आजकल जल्दी आ जाते हैं फिर. और अभी क्या है ना, स्टोर में पहले तो काफ़ी सारे लोग एक साथ जाते हैं, कॉस्को इतना बड़ा है, बट आजकल वो लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं स्टोर पे भी, तो कुछ ही लोगों को एट अ टाइम स्टोर के अंदर जाने देते हैं और काफ़ी दूर दूर खड़े रहते हैं बिलिंग के टाइम पे भी, विच इज़ अ गुड थिंग. और जो भी सामान था छोटा मोटा अंशुल ले आए, दूध, हैवी व्हिपिंग क्रीम. और कॉस्को पे ना बहुत सारी ग्रोसरीज नहीं मिलती, लाइक सब्जी भाजी वगैरह नहीं मिलती है, तो मैंने एक पालक का पैकेट मंगा लिया था क्योंकि पालक फिर काम आ जाती है घर पे, पनीर और थोड़े से टमाटर मंगा लिए थे. और ये सारे मैंने ना डिसइंफेक्ट कर लिए हैं, सब बॉटल्स वगैरह को अच्छे से डिसइंफेक्टिंग वाइप से रब करके साफ कर लिया है और अब मैं इन्हें फ्रिज में लगा दूंगी बस. और हमारे पास फेस मास्क वगैरह तो ऐसा कुछ है नहीं. जब ये न्यूज़ आनी स्टार्ट हुई थी कोरोना वायरस की, तो हमने अमेजोन पे चेक किया था, फेस मास्क, सैनिटाइजर सब कुछ आउट ऑफ स्टॉक हो गया था. बट आजकल तो ऐसा सिचुएशन आ गया है कि सब लोग मास्क वगैरह भी पहन के जाते हैं. तो आज मैंने अंशुल जब कॉस्को गए थे उनके लिए एक DIY फेस मास्क बनाया था, जेंट्स हैंकरचीफ से और दो इलास्टिक बैंड से. ये हैंकरचीफ मैंने क्लीन लिया है, कॉटन का है तो इजीली ब्रीदेबल होगा. और देखिए मैंने 3 बार इसे इस तरीके से फोल्ड किया है और एक लंबी सी स्ट्रिप बना ली है जिससे कि मेरा मुंह और मेरी नाक एक साथ कवर हो जाए. और बस इस तरीके से स्ट्रिप बनाने के बाद दोनों साइड से मैं इसमें इलास्टिक बैंड इंसर्ट कर दूंगी और बैंड्स को आपको इतनी दूर रखना है जिससे कि आपका माउथ और आपकी नोज़ जो है वो अच्छे से कवर हो जाए. और ये जो साइड का एक्स्ट्रा पार्ट बचा हुआ है ना, अब उसको मैं फोल्ड करके एक के अंदर एक इंसर्ट कर दूंगी जिससे कि थोड़ी सी पैडिंग भी हो जाएगी और कोई भी ड्रॉपलेट वगैरह आपके मुंह में नहीं जाएगा, नाक में नहीं जाएगा. और ये देखिए ये हमारा फेस मास्क जो है DIY फेस मास्क बनके रेडी हो गया है. और ये जो इलास्टिक बैंड्स है ना, ये होल्ड करेगा मास्क को आपके माउथ पे अच्छे से. तो एक बार मैं आपको लगा के भी दिखा देती हूँ. इस तरीके से आप अपने फेस पे से एडजस्ट करके बस बैंड्स को अपने ईयर्स के पीछे इस तरीके से लगा लें और ये बन गया आपका घर में मास्क. सेकेंड DIY फेस मास्क के लिए मैंने 2 किचन टॉवल्स लिए हैं और इनको मैंने सेपरेट नहीं किया है. अगेन मैंने 2 इसलिए लिए हैं जिससे कि थोड़ी एक्स्ट्रा पैडिंग रहे. इसके लिए आपको एक स्टेपलर चाहिए और 2 इलास्टिक बैंड्स. तो इसको बनाने के लिए मैंने, देखिए, किचन टॉवल को भी इसी तरीके से 3 फोल्ड्स लगा के कुछ इस तरीके से इम्प्रेशन बना लिया है. और अब इसे मैं ओपन करके साइड में फ्रिल्स बना लूंगी कुछ इस तरीके से. ये देखिए छोटा सा पोर्शन इस पकड़ के एक के ऊपर एक रखा और दूसरी साइड से भी इसी तरीके से मैं ऐसे फ्रिल बना लूंगी और इसको मैं कर लूंगी स्टेपल. ये मैंने फ्रिल इसलिए बनाई है जिससे कि बीच से ये एक्सटेंड करे और साइड से इसका जो विड्थ है वो कम हो जाए. और दोनों साइड से मैंने स्टेपल करने के बाद इसमें मैंने इलास्टिक बैंड डाल दिया दोनों साइड पर. और इलास्टिक बैंड डालने के बाद मैं इसको फोल्ड कर लूंगी और इसको एक बार फिर से स्टेपल कर लूंगी इलास्टिक बैंड को मास्क के साथ जोड़ने के लिए. ध्यान रहे कि बैंड को आपको स्टेपल नहीं करना है. तो दोनों साइड से ये स्टेपल हो गया है और ये देखिए हमारा दूसरा DIY फेस मास्क बनके रेडी हो गया है. अगर आपके पास भी N95 मास्क, जो एकदम प्रोटेक्टिव मास्क नहीं होता है, तो आप भी घर में इस तरीके से मास्क बना सकते हैं. बट मास्क पहन के ज़रूर निकलिए बाहर, आजकल बहुत ज़्यादा स्केरी सिचुएशन है. और ये देखिए बन गया मास्क मेरा. आप लोग आ गए मास्क देख के, कैसे लगे मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा. और इस वीडियो को देख के अगर ये मास्क आप बनाते हो और यूज़ करते हो तो मुझे अपनी फ़ोटोज ज़रूर सेंड करिएगा, आई वुड लव टू सी. अच्छा लगेगा ना कि मेरी वीडियोस देख के किसी ने इस टिप को यूज़ किया. एक्चुअली कोई मेरा नोवेल आइडिया नहीं था, कल मैं यूट्यूब पर सर्च कर रही थी कि ईजी DIY फेस मास्क और वहाँ पर बहुत सारी वीडियोज़ हैं. एक वीडियो मैंने देखी नो स्विंग फेस मास्क पे, तो उन्होंने 5 टाइप के मास्क बनाने बताए थे, तो मुझे ये 2 टाइप काफ़ी ईजी लगे बनाने और यूज़ करने.
मैंने, तो मुझे लगा कि मैं ये दो आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी, क्योंकि इस टाइम पे वैसे ही इतनी स्कैरसिटी है चीज़ों की, और अगर इतनी हेल्पफुल टिप कहीं से भी मिल जाए आपको तो आपके तो आपका अच्छा हो जाएगा, तो इसीलिए शेयर कर दिया मैंने। अभी बन रही है चाय और दूध गोविंद का गर्म कर रहे हैं क्योंकि चाय का टाइम हो गया है। जब हम छोटे होते थे ना, स्कूल से आके सो जाते थे और शाम को जब उठते थे सर्दियों के टाइम पे, तो मम्मी बेड में गर्मा गर्म दूध या चाय देती थी, तो बड़ा मज़ा आता था। अब वो दिन तो चले गए जो बेड में आपको चाय मिले, तो खुद ही इंजॉय करो, बनाओ पियो और मस्त रहो। और ये गोविंद है, अभी उसके वो वाले दिन चल रहे हैं, उसकी मम्मा ने उसके लिए गर्मा गर्म दूध बनाया है, ये उठ के आया है। तो और उठ के आते ही मुझे कहता है आज मैं नूडल्स खाऊंगा, और नूडल्स का पैकेट हाथ में लेके बैठ। ड्राइविंग थ्रू डेज एंड नाइट्स, वोंट स्टॉप फॉर ट्रैफिक लाइट्स। अगर ये वेट हो गई तो मैं इसको ड्राई कर दूंगा। आज सुबह हम लोगों ने एक सन बनाया था क्राफ्ट शीट कट करके, उसके रेज हमने पेस्ट किए थे, वो काइंड ऑफ क्राफ्ट एक्टिविटी हो गई थी। और अभी वो ड्राई हो गया तो गोविंद को वाटर कलर दिए पेंटिंग करने के लिए। वैसे मैं उसके लिए ना ये वाली कलर पैलेट लेकर आई थी वॉलमार्ट से, बट उसको ये पसंद नहीं है। वो मुझे देखता है ना पेंटिंग करते हुए, मैं एक्रेलिक कलर्स यूज़ करती हूँ, तो वो भी जिद करता है कि मुझे कैनवस दो, एक्रेलिक कलर्स दो। तो उसको दिया है अभी थोड़ा सा, और वो थोड़े से खुश नहीं होता। वो क्या बोलेगा, मम्मा थोड़ा और, मम्मा थोड़ा और पूरी बॉटल ना वो एक पेंटिंग में ख़त्म कर सकता है, मतलब उतनी कैपेबिलिटी है उसमें। इसीलिए मैं पास में बैठी हूँ, थोड़ा थोड़ा कलर देती हूँ, थोड़ा थोड़ा पानी मिलाती हूँ, जिससे कि वो थोड़ा अपना पेंट कर ले। अच्छा आपको दिखाती हूँ इसकी पेंटिंग, ये देखिए कितना ब्यूटीफुल सन बनाया है, वेरी नाइस। ये भी वेट है, ये वेट है, ओके। रेस में भी कलर करो, देखो यहाँ पे वाइट वाइट रह गया, आप कर लो। थोड़ी देर वो एक्टिविटीज़ मिमिक करना बहुत ज़रूरी है जो बच्चे स्कूल में करते थे। अभी गोविंद तो अपने स्कूल में क्राफ्ट और कलरिंग ही करके आता था, अपने फ्रेंड्स के साथ प्ले करता था, तो प्ले तो अभी फ्रेंड्स के साथ नहीं कर सकता, बट हम लोग थोड़ा बहुत क्राफ्ट और राइटिंग और पेंटिंग थोड़ा सा टाइम ज़रूर देते हैं दिन में। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये मैंने डॉट मार्कर्स मंगाए थे ना अमेज़ॉन से, आपको बताया भी था, मैंने दिखाया था ये वाले। हम लोग ऐसे बैठ के डॉट मार्कर से भी पेंटिंग करते हैं, तो उसको अच्छा लगता है और अच्छा टाइम पास हो जाता है। हाजी इसके नूडल्स बना दो। अभी नहीं, अभी पानी बॉईल हो रहा है। नहीं अभी बना दो। अरे तो बॉईल तो होने दो पानी को। बॉईल को नहीं होने दूंगा। आज इसने जिद पकड़ रखी है कि इसे नूडल्स खाने हैं, तो बिना प्याज वाले नूडल्स बनेंगे, थोड़ा सा पास्ता सॉस, थोड़ा सा कॉर्न पीस ऐड करके बस बना दूंगी किसी तरीके से, थोड़ा सा बच्चा खुश हो जाएगा। ठीक है, उसमें कॉर्न भी डालना। ओके कॉर्न भी डालेंगे भाई, कॉर्न गोविंद को बहुत पसंद है, तो कॉर्न तो हम जरूर ऐड करेंगे। मैंने डैडी को भी बोला कि आप खा लो, तो वो बोले कि अभी यार जो चिकन खाता है, चिकन बिना प्याज को किसको पसंद आएगा, तो अभी तुम रहने दो, हम नॉर्मल अपना सात्विक खाना खाएंगे, और जब नवरात्रि खत्म हो जाएंगे तो फिर सबके लिए एक साथ बनाएंगे नूडल्स अच्छे वाले। Yes, खा के देखो, टेस्ट करो। सुनो, डालोगे ऑयल? हाँ और डालेंगे, पहले आप टेस्ट करके देखो, ये देखो एक्साइटेड, और आप अपने आप खाओ। चलो गोविंद अभी बैठ के अपना पास्ता खा रहा है। पहले मैंने सोचा था कि मैं ना उसके लिए बाजार वाला पास्ता सॉस यूज कर लूंगी, बट उसके अंदर ना अनियन गार्लिक होता है, मैंने उसके इंग्रेडिएंट्स चेक किए, फिर मुझे लगा नहीं हम लोग नहीं यूज करते, तो फिर नहीं मैं बाजार वाला यूज करूंगी। तो एक टमेटो का ऐसे प्योरी बना के सिंपल सा पास्ता बनाया उसका, और वैसे उसको तो ज्यादा स्पाइसेस वाला चाहिए भी नहीं होता, थोड़ा सा नमक डालो, काली मिर्च डालो, और बस उसका पास्ता हो जाता है। अंशुल के लिए थोड़ी सी मैं आलू गोभी गर्म कर रही हूँ, मैंने लंच में बनाई थी, काफ़ी सारी बच गई। एक्चुअली अभी मेन वही है ना खाने वाले, तो कुछ भी बनाओ तो काफ़ी सारा बच जाता है और काफ़ी टाइम तक चलता है। बस वही गर्म करूँगी और एक रोटी के साथ उनको दूंगी, उनको भी ज़्यादा भूख नहीं है, और मैं तो वैसे ही नहीं खाती मैं रात के टाइम कुछ भी। आप लोग बताओ आप लोगों के नवरात्रि फास्ट कैसे जा रहे हैं, मेरे वीडियोस में मैं बकर बकर तो करती रहती हूँ, आप लोग भी मुझे कमेंट्स में अपने बारे में बताया कि करिए कि आप लोग क्या खाते हैं नवरात्रि में, कैसे कैसे मैनेज हो रहा है, क्या क्या कुक कर रहे हो अपने घर पे। ये नहीं आता।
यू कांट सी द कार्ड्स, आप कार्ड्स देख के नहीं दोगे, ऐसे ही रख दो, ये गोविंद का, ये मामा का, चीटिंग नहीं करो, ये गोविंद का, ये मामा का, तुम कार्ड्स मत देखो मेरे, गोविंद का, ये मामा का, चीटिंग खोर। ये लड़का इतना ज्यादा चालू है ना कि पूछिए भी मत। डैडी के साथ जब प्ले करता है ना तो अच्छे से प्ले करता है विदाउट डूइंग एनी चीटिंग, और जब मम्मी के साथ प्ले करता है तो भर भर के चीटिंग करता है, क्योंकि उसे पता है मम्मी चीटिंग करेगी तब भी खेलती रहेगी, और डैडी अगर डैडी के साथ चीटिंग करे तो फिर डैडी तुरंत गेम ऑफ कर देते हैं। देखो डैडी के साथ कितने अच्छे से कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट करके और खेल रहे हैं। अब बस नाइट रूटीन कर रही हूँ, ड्रेस वगैरह चेंज कर ली, फेस वॉश कर लिया, और सिंपल सा होता है मेरा नाइट रूटीन, क्रीम लगा रही हूँ। बहुत लोग तो बहुत सब कुछ कर करके सोते हैं, आई क्रीम, अंडर आई क्रीम, पता नहीं क्या क्या, अभी उतना टाइम तो नहीं होता है मेरे पास, मैं सिंपल एकदम सिंपल सा करती हूँ। काफ़ी लोग पूछते हैं कि स्किन केयर रूटीन बताओ, स्किन केयर रूटीन, मैं सच्ची बताऊँ तो सिर्फ सुबह और शाम को फेस वॉश करती हूँ, वो भी मेरा एक स्पेशल फेस वॉश है, सिर्फ मैं वही यूज़ कर रही हूँ काफ़ी टाइम से, और उसके बाद बस क्रीम लगा लेती हूँ, कभी कभार जो फेस मास्क वगैरह लगाती हूँ, अदरवाइज यही सिंपल सा मेरा रूटीन रहता है। इतना टाइम ही नहीं होता यार हम मम्मियों के पास ना कि बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड स्किन केयर करते रहें और नेल केयर करते रहें, फटाफट जो काम हो जाए छोटे बच्चों के साथ तो वही बस मैनेजेबल लगता है। बट सच बताऊं कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि हम बच्चों को एंगेज नहीं करते, बच्चे हमें एंगेज करते हैं, वो हमें एंटरटेन करते हैं। अभी गोविंद छोटा है ना तो ट्रस्ट मी पता नहीं चलता कब मॉर्निंग हुई और कब नाइट हो गई, उसके साथ खेलने में, उसके टॉयज समेटने में, उसका ध्यान रखने में, खाना खिलाने में, नहलाने में पूरा दिन निकल जाता है, और बस ये डिफ़िकल्ट टाइम तो सच्ची में अगर मुझे लगता है जिसके बच्चे बड़े होंगे या जिनके पास बच्चे नहीं होंगे उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा टफ होगा। हम लोगों के लिए भी कभी कभी तो टफ होता है कि घर घर में है और सारा दिन बस काम काम कर रहे हैं, बट यू नो ये टफ टाइम में बच्चे बहुत हमारे मेंटल को, हमारे मेंटल पीस को बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं, और मी टाइम भी ना हम तभी इंजॉय करते हैं जब बच्चे हैं, क्योंकि जब बच्चों से फ्री टाइम मिलता है वो हमारा मी टाइम होता है। एक बार बच्चे बड़े हो जाएंगे या और पढ़ाई वढ़ाई में लग जाएंगे तो मुझे लगता है मी टाइम में भी वो थ्रिल नहीं रहेगा जो अभी होता है। तो यस ये है फायदे छोटे बच्चे होने के, तो मुझे लगता है कि ये वाला टाइम जिस जिस मम्मी के पास अभी है ना इन्जॉय करना चाहिए टू द फुलेस्ट। कभी कभी बुरा लगता है कि यार सारा दिन निकल जाता है, अपने ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाते, बट कोई बात नहीं यार, ये फन भी कुछ ही टाइम का है, बच्चे बड़े हो जाएंगे ना फिर पूछेंगे भी नहीं। मैं हमेशा कहती हूँ ना एक बार बच्चे बड़े होते हैं उसके बाद फिर अपनी पढ़ाइयों में और फिर सब बाहर निकल जाते हैं, अब हमारे मम्मी पापा वेट करते रहते हैं कब हमारे बच्चे आएँ, कब हम उनका काम करें, तो हम भी उसी फेज में आएंगे, तो जितना हो सकता है ये टाइम इन्जॉय करो। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, होप करते हैं आपने इन्जॉय किया होगा। अगर आपको इस ब्लॉग में इतनी सी भी कोई बात अच्छी लगी है ना तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा सभी लोगों के साथ, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड बिकमिंग द पार्ट ऑफ आर ब्यूटिफुल फैमिली। इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि वहाँ पर मैं बहुत सारे अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, और मैं तो बहुत बकबक करती हूँ, आप अपनी भी कुछ बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में, कॉमेंट सेक्शन इज़ खुला हुआ है बिल्कुल आप लोगों के लिए, मैं सब कमेंट्स का रिप्लाई भी करती हूँ, बट आजकल क्या होता है ना ऊपर नीचे हो जाते हैं कमेंट, आप लोग थोड़ा करते हो जब वीडियो आती है, फिर जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं सबका रिप्लाई करती हूँ, तो प्लीज़ मेरे भी रिप्लाईज का वेट करिएगा और मुझे आपके कमेंट्स का हमेशा इंतज़ार रहता है। लव यू ऑल, टेक केयर, फिर से मिलेंगे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप बहुत सारा ध्यान रखिएगा, बाय। और अंशुल ने ये मास्क पहन के दिखाया है और उस पर ये मैसेज लिख के लाए हैं, अगर आप पढ़ सकते हो तो पढ़ लो। मैं पढ़ के बताता हूँ, दिस मास्क कैन सेव यू फ्रॉम जर्म्स बट नॉट योर वाइफ, टू सेव योरसेल्फ से आई लव यू टू योर वाइफ। हट।